जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से बात किया था कि इस बार भी भारतीय रेलवे 5 नए रूट पर एक साथ ही वंदे भारत ट्रेन को उतारने का काम करने वाली है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि पांचों कौन कौन से रूट हैं। इनमें से कुछ रूट्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसमें कुछ नए रूट्स का भी नाम जुड़ा है जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, पिछली बार की बात कर ले तो पिछली बार 7 जुलाई 2023 को एक साथ दो वंदे भारत का इनॉग्रेशन हुआ था एंड 7 जुलाई के बाद अभी तक किसी भी वंदे भारत ट्रेन को इंडियन रेलवे पटरी पर नहीं उतार पाई है। इससे पहले दोस्तों, एक साथ 5 वंदे भारत का इनॉग्रेशन 27 जून 2023 को इंडियन रेलवे ने किया था और 27 जून को एक साथ ही 5 नए रूट को इंडियन रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन से जोड़ दिया था। और यहां पर दोस्तों, एक बार फिर से कुछ ऐसा ही नजारा हम सभी को देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से रूट हैं जिन पर इंडियन रेलवे वंदे भारत ट्रेनों को उतारने के लिए प्लानिंग कर रही है। साथ ही दोस्तों, इन पांचों वंदे भारत का जो इनॉग्रेशन है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं इन पांचों वंदे भारत के रूट के बारे में। तो इनमें सबसे पहला रूट है विजयवाड़ा से चेन्नई सेंट्रल वाला। विजयवाड़ा से चेन्नई सेंट्रल तक ये वंदे भारत ट्रेन लगभग 455 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी और इसके लिए ये ट्रेन लगभग 6 घंटे का ट्रेवल टाइम लेने वाली है। इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 130 KMPH होगा और ये ट्रेन 8 कोच के साथ चलने वाली है। और इसका एक्सपेक्टेड ट्रेन नंबर की बात कर लें तो विजयवाड़ा से चेन्नई सेंट्रल के बीच में चलाई जाने वाली इस वंदे भारत का ट्रेन नंबर 20687 और 20688 हो सकता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाली वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो ये वंदे भारत ट्रेन बहुत ही एक फेमस रूट पर चलने वाली है। जी हाँ, मैं पटना और हावड़ा के बीच में चलने वाली वंदे भारत के बारे में बात कर रहा हूँ। और पटना से चलकर हावड़ा को जाने वाली वंदे भारत की शुरुआत आपको इन पांचों वंदे भारत की लॉन्चिंग में ही देखने को मिलेगी। पटना से हावड़ा के बीच में ट्रेन लगभग 532 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी और इसके लिए इस ट्रेन को लगभग 6 घंटे और 30 मिनट का समय लगने वाला है। पटना से हावड़ा के बीच में इस ट्रेन का मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 130 KMPH होगा और ये ट्रेन 8 कोच के साथ चलने वाली है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर आने वाली वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो ये ट्रेन काचेगुड़ा से यशवंतपुर के बीच में चलने वाली है, यानी कि ये ट्रेन बैंगलोर और हैदराबाद को जोड़ने वाली है। बैंगलोर से हैदराबाद की तरफ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन लगभग 618 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी और जहां नॉर्मल ट्रेनों को 10 से 11 घंटे का समय लग जाता है इस दूरी को पूरा करने में, वहीं हमारी इस वंदे भारत ट्रेन को लगभग 8 घंटे का समय लगने वाला है बैंगलोर से हैदराबाद या फिर हैदराबाद से बैंगलोर आने जाने में। और बैंगलोर से हैदराबाद के बीच में चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का भी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 130 KMPH होगा और ये ट्रेन 16 कोच वाले रेक के साथ चल सकती है। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर आने वाली वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो ये वंदे भारत ट्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट पर चलने वाली है क्योंकि ये ट्रेन अपनी यात्रा की शुरुआत तिरुनेलवेली से करेगी और चेन्नई में अपना यात्रा को समाप्त करने वाली है। यानी कि तिरुनेलवेली चेन्नई वंदे भारत ट्रेन भी आपको 5 वंदे भारत के लॉन्चिंग में ही देखने को मिल जाएगी। तिरुनेलवेली से चेन्नई तक ये वंदे भारत ट्रेन लगभग 650 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी और जहां नॉर्मल ट्रेनों को 11 से 12 घंटे का समय लग जाता है इस दूरी को पूरा करने के लिए, वहीं हमारी इस वंदे भारत ट्रेन को मात्र 8 घंटे का ही समय लगने वाला है तिरुनेलवेली से चेन्नई पहुंचने में। तिरुनेलवेली से चेन्नई के बीच में इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 KMPH ही रहने वाला है और इस ट्रेन में आपको 8 कोच वाला रेक देखने को मिलेगा। यहां पर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे लिस्ट में सबसे आखिरी यानी कि 5वें नंबर वाली वंदे भारत ट्रेन की। और ये रूट बिल्कुल नया जुड़ा है फ्यूचर वंदे भारत ट्रेनों की लिस्ट में। बात कर ली इस वंदे भारत के रूट के बारे में तो ये ट्रेन उदयपुर से जयपुर के बीच में चलने वाली है। उदयपुर से जयपुर तक ये ट्रेन लगभग 424 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी और जहां नॉर्मल ट्रेनों को 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है इस दूरी को पूरा करने के लिए, वही हमारी उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन को 5.5 से 6 घंटे का ही समय लगने वाला है उदयपुर से जयपुर आने जाने में। यानी कि ट्रेवल टाइम में अच्छा कट ऑफ देखने को मिलेगा इस रूट पर। उदयपुर से जयपुर के बीच में इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 KMPH रहने वाला है और उदयपुर से जयपुर के बीच में चलाई जाने वाली इस वंदे भारत ट्रेन में आपको 8 कोच वाला रेक देखने को मिलेगा। और अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन की तरह उदयपुर से जयपुर के बीच में चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में भी आपको हाई राइज पेंटो देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, विजयवाड़ा से चेन्नई, पटना से हावड़ा, काचेगुड़ा से यशवंतपुर, तिरुनेलवेली से चेन्नई और उदयपुर से जयपुर के बीच में 5 वंदे भारत ट्रेनों का इनॉग्रेशन आपको एक साथ ही देखने को मिलने वाला है। और इसको लेकर दोस्तों, इंडियन रेलवे का पहले प्लान था कि 4 रूट पर वंदे भारत का इनॉग्रेशन एक साथ किया जाए, लेकिन यहाँ पर उदयपुर और जयपुर के बीच में भी अब आपको साथ में ही इनॉग्रेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करें कि कब तक हमें इनॉग्रेशन देखने को मिल सकता है इन पांचों रूट पर, तो दोस्तों इन पांचों रूट में से कुछ रूट्स पूरी तरह से तैयार है इनॉग्रेशन के लिए और इसमें कुछ ऐसे भी रूट्स हैं जिन पर अभी तैयारियां बाकी है। इसके साथ ही दोस्तों, रेल मंत्रालय PMO से भी बात कर रहा है इन ट्रेनों को इनॉग्रेशन के लिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा वंदे भारत ट्रेनों का इनॉग्रेशन किया जाता है और इस बार भी
आपको प्रधानमंत्री के द्वारा ही इनॉग्रेशन देखने को मिलेगा और इसी के लिए रेल मंत्रालय पीएमओ से लगातार बात कर रही है ताकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कीमती समय है वो हमें मिल सके और ये पांचों वंदे भारत का जो इनॉग्रेशन है वो एक साथ किया जा सके और 7 जुलाई के बाद किसी भी वंदे भारत के इनॉग्रेशन न होने की वजह से वंदे भारत का जो इनॉग्रेशन है उसमें एक लंबा गैप बन चुका है। साथ ही आईसीएफ में भी अच्छा स्टॉक बन चुका है रेक का और इसी वजह से इंडियन रेलवे प्लानिंग किया है कि एक साथ 5 वंदे भारत को पटरी पर उतारा जाए। और अभी की करंट सिचुएशन की बात कर ले तो हमारे देश में 25 रूट पर ऑलरेडी वंदे भारत ट्रेन चल रही है और फिर से एक साथ 5 वंदे भारत का इनॉग्रेशन होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों टोटल 30 रूट पर वंदे भारत ट्रेनों का कनेक्टिविटी हमें देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों सिर्फ 5 रूट ही नहीं, इंडियन रेलवे ऐसे कई नए रूट्स हैं जिन पर वंदे भारत ट्रेन उतारने की जो तैयारियां है वो इंडियन रेलवे द्वारा किया जा रहा है अभी फिलहाल। और इन 5 रूट पर इनॉग्रेशन आपको 30 अगस्त या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके ऊपर कुछ भी कन्फर्मेशन तो अभी निकल के नहीं आ रहा है क्योंकि जब तक पीएमओ से हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक इंडियन रेलवे कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं दे पाएगी। तो जैसे ही पीएमओ से हरी झंडी मिलती है और हमारे पीएम के पास समय होता है इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के लिए, उसके बाद इंडियन रेलवे इन सभी वंदे भारत का जो इनॉग्रेशन डेट है वो धीरे धीरे रोल आउट करने लगेंगी। बाकी इन 5 वंदे भारत ट्रेनों को लेकर कुछ भी नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।